स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप सभी रिच क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कितना अमाउंट आप सभी को यहां पे लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या आप सभी को इंटरेस्ट चार्ज लगेंगे, क्या प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, कितने मंथ के लिए आप सभी को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आप सभी को रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, सारा डिटेल बताऊंगा कैसे आप सभी को अप्लाई करना है, क्या चार्ज वगैरह लगेगा, सारा डिटेल दूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप सभी को बताते हैं कैसे आप सभी लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आना होगा प्ले स्टोर के ऊपर। आने के बाद आप सभी सर्च करेंगे, रिच क्रेडिट लिख करके सर्च करेंगे तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसी एप्लीकेशन को यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फिलहाल 50,000 से अधिक लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। रेटिंग की बात करें 3.9 का रेटिंग है, जो कि तकरीबन 219 लोग इसको रिव्यू किए हैं। रिव्यू पढ़ना चाहे तो नीचे आकर के आप सभी पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई से पहले आप सभी को थोड़ा अबाउट फीचर्स टर्म एंड कंडीशन बता देते हैं, उसके बाद आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस भी जो कि बताएंगे। तो इसके अंदर आप सभी को लोन अमाउंट 2,000 रुपये से लेकर के जैसे कि लिखे हुआ है 90,000 रुपये तक का लोन यहाँ से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। लोन टेनर रीपेमेंट समय की अगर बात करें तो 91 दिनों से लेकर के 365 दिनों के लिए, यानी कि 3 मंथ से 1 ईयर्स के लिए जैसे कि लिखे हुआ है, ये आप सभी को लोन जो कि प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे दिए हुआ है 12% से 26% पर एनुअल के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुआ है, अगर आप सभी मान लीजिए यहाँ से 6,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप सभी को इंटरेस्ट 10% लगाए जाएंगे 100 दिनों के लिए। अगर आप सभी ये लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट आप सभी को 166 रुपये हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हैंडलिंग फीस आप सभी को 0 लगने वाला है। टोटल रीपेमेंट लोन अमाउंट करना होगा आप सभी को इंटरेस्ट वगैरह लेकर के 6,166 रुपये। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सो गाइस, तो यहाँ पे आप सभी को इंडियन सिटीजन होना है और इसके बाद आप सभी का एज कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 65 होना चाहिए और आप सभी के पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप सभी का सोर्स मंथली इनकम कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अप्लाई में सेल्फी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप सभी को यहाँ पे लोन जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे इस बॉक्स में चेक मार करके एग्री एंड कंटिन्यू वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। कुछ परमिशन आएगा, इसको अलाउ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे गाइज अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम लोन अमाउंट आप सभी को 90,000 रुपये तक का लोन जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे कि लिखे हुआ है। तो लोन नाउ लिखा हुआ है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। गेट वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल करके आप सभी को साइनिंग वाले पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आप सभी को फिर से क्या करना है, लोन नाउ वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप सभी को फिल करना है। पहला स्टेप में आप सभी को पर्सनल डिटेल्स है, दूसरा में KYC डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जॉब इन्फॉर्मेशन फिल करना है, अदर इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद आप सभी को लोन अमाउंट जो कि शो किया जाएगा। तो यहाँ पे अब आप सभी को फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंटियल एड्रेस यहाँ पे आप सभी को फिल करना है। उसके बाद कोई और डिटेल्स है तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो कि फिल कर लेंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जॉब इन्फॉर्मेशन में कंपनी नेम यहाँ पे डालेंगे, पर्सनल इनकम क्या है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को अदर डिटेल्स में क्या फिल करना है, फादर्स फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, मदर्स फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेकेंड यहाँ पे फिल करेंगे,
उसके बाद आप सभी को फोन नंबर व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है सेकेंड स्टेप में। तो अब आप सभी को यहाँ पे अपना प्रूफ जो कि अपलोड करना है। तो आप सभी को पैन कार्ड का फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करेंगे, पैन कार्ड का बैक साइड यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप सभी का नाम पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आएगा। उसके बाद आप सभी को आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, तो आधार का फ्रंट यहाँ अपलोड करेंगे, आधार का बैक यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप सभी का आधार का सारा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे होल्डिंग आधार में क्या करना है, आप सभी को दोनों हाथ में आधार कार्ड ले लेना है। उसके बाद एक सेल्फी जो कि यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, दोनों हाथ में आधार पकड़ करके आप सभी को एक सेल्फी अपलोड करना है। उसके बाद आप सभी को नीचे फिर से कन्फर्म का फीचर्स है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे अब आप सभी देखेंगे यहाँ पे कई सारे फीचर्स लोन का दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आप सभी देखेंगे ग्रीन मनी का ऑप्शन है, इसमें आप सभी को लोन अमाउंट देखेंगे 4000 से 60000 रुपये तक यहाँ पे लोन जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। लोन टेनर यहाँ पे दिया हुआ है 91 दिनों से लेकर के 365 दिनों के लिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप सभी देखेंगे कैश प्लस है, इसके अंदर 6000 से 1.5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे भी लोन टेनर देखेंगे 91 दिनों से 365 दिनों के लिए जो कि लोन मिलेगा। तो नीचे अभी फिलहाल सब लॉक है, एक ही ऑप्शन ऊपर वाला है जो ग्रीन है, यहाँ अप्लाई का फीचर्स है। तो इसमें 4000 से लेकर के 60000 रुपये तक का लोन जो कि मिलेगा। तो हम ऊपर वाले में अप्लाई लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करते हैं। तो करने के बाद गाइज अब आप सभी यहाँ पे देखेंगे लोन अमाउंट जो है 4000 से लेकर के 60000 रुपये तक का लोन यहाँ पे जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी चाहे तो अपना मर्जी के हिसाब से लोन अमाउंट यहाँ पे जो कि सेलेक्ट कर लेंगे, कम या ज़्यादा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से 4000 रुपये का लोन लेते हैं, तो यहाँ पे अब आप सभी को क्या करना है, बैंक का कार्ड यहाँ पे फिल करना है, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। और करने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपना बैंक नेम यहाँ पे डालेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, आईएफएससी कोड यहाँ पे आप सभी को फिल करना है। करने के बाद यहाँ से बैंक अपना ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को लोन डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ लोन अमाउंट यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा, जैसे कि मैं 4000 सेलेक्ट किया हूँ तो लोन अमाउंट 4000 रुपये हो जाएंगे। डेली इंटरेस्ट यहाँ पे 0.50% लगेगा। लोन टेनर यहाँ पे आप सभी देखेंगे 91 दिन हो जाएगा। सर्विस फीस यहाँ पे आप सभी को 3% लगेंगे। उसके बाद आप सभी को चाहिए तो यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, तो उसके बाद जैसे ही आप सभी यहाँ पे सारा डिटेल डाल देंगे तो आप सभी का लोन अप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल अप्लीकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ समय आप सभी को वेट करना है, लोन जो है प्रोसेस में चला गया है। यहाँ पे अब आप सभी देखेंगे लोन यहाँ पे पीडीएफ देखेंगे, रीपेमेंट पीरियड मुझे यहां पे 90 दिन का समय जो कि मिला है, लेकिन लोन अमाउंट यहां पे आप सभी देखेंगे 2560 रुपये ही यहां पे शो हो रहे हैं। तो यहां पे आप सभी देखेंगे लोन अमाउंट सिर्फ 2560 रुपये ही हो सके मेरे अकाउंट में जो कि क्रेडिट किया जाएगा। रीपेमेंट पीरियड यहां पे 90 दिन तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में 2560 रुपये ही क्रेडिट किए जाएंगे। और मुझे यहाँ पे टोटल कितना पेमेंट करना है वो ऑप्शन यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं आया है। पहले ये भी नहीं दिखाया था कि मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे गाइज कि मेरा लोन यहाँ पे फेल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना आधार और पैन का डिटेल सही नहीं भरा था, जिसके कारण मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, मुझे सिर्फ आप सभी को रिव्यू करके दिखाना था, इसलिए मैंने आप सभी को सारा प्रोसेस जो कि कंप्लीट करके दिखाया हूँ। तो ये जो अमाउंट है लोन अमाउंट 2560 रुपये आप सभी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। टोटल कितना पेमेंट करना होगा वो भी यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल लोन ही रिजेक्ट हो गया है। तो अगर आप सभी को दिल चाहे तो आप सभी इस एप्लीकेशन से अप्लाई करेंगे। मैंने आप सभी को इस एप्लीकेशन का डिटेल्स बता दिया हूँ, रिव्यू करके दिखा दिया हूँ कि कितना आप सभी को चार्ज लगेंगे, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या प्रोसेसिंग चार्ज आएगा। मैंने आप सभी को अच्छे से रिव्यू करके दिखा दिया हूँ। अब आप सभी का दिल चाहे तो आप सभी अप्लाई करेंगे, वरना इस एप्लीकेशन को छोड़ देंगे। जहाँ से मैं खुद लिया हूँ वहाँ से अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, 4-5 वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। जहाँ से मैं खुद लिया हूँ वहाँ पे आप सभी को 6 मंथ या 1 ईयर्स के लिए भी लोन मिल जाता है। लो प्रोसेसिंग चार्ज है, लो इंटरेस्ट है, तो वहाँ से भी आप सभी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।